बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल के सीजन की संजय मांजरेकर के साथ। संजय, सनराइजर्स हैदराबाद एक समय ऐसा लग रहा था जब लगातार 5 मुकाबले जीते थे कि शायद महज औपचारिकता है कि ये प्लेऑफ्स तक का सफर तय कर लेंगे, और उसके बाद अचानक ऐसा डाउनटर्न आया फॉर्म में कि प्लेऑफ्स तो क्या वो टॉप 5 टॉप 6 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। सनराइजर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रही? क्या कप्तान का फॉर्म में ना होना, क्या उस अग्रेशन के साथ उस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी ना करना सबसे बड़ी समस्या थी उनके लिए? सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपने कहा कि लगातार जीतते रहे लगातार हारते रहे, यानी जब हारे तो फिर बाउंस बैक नहीं कर पाए, तो फिर से प्लेयर्स की तरफ फोकस अगर आप करें तो बिल्कुल पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या रही है। अगर गेंदबाजी अगर आप देखें तो नटराजन पहले थोड़े मैचेस में इंजर थे, लेकिन कम बैक जब किया तो एकदम बहुत ही रिदम में लग रहे थे, लेकिन वो थोड़े से ऑफ द बॉइल हो गए, तो उनकी बॉलिंग सही मौके पर थोड़ा सा लेट डाउन किया, 2-3 मैचेस काफी उनके वजह से मुसीबत हो गई थी। अभिषेक शर्मा उनके लिए एक पॉजिटिव है, राहुल त्रिपाठी एक बड़े पॉजिटिव है, माकरम अब लगता है कि एस्टैब्लिश हो गए एज अ T20 प्लेयर, तो वो उनकी काफी हेल्प करेंगे। भुवनेश्वर कुमार ने फिर से दिखाया कि सालों से जो जिस तरह के रिलायबल वो बॉलर है, डेथ में भी वो अभी भी है, और उमरन मलिक एक बड़े उनके एक फाइंड है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आपने थोड़ी सी बात की, केन विलियमसन कप्तान और बल्लेबाज, क्या एक भारतीय कप्तान को चुनना चाहिए जब अगले सीजन की वो तैयारी करेंगे, ताकि वो इंटरनेशनल प्लेयर का जो स्लॉट है वो बर्बाद ना हो और उसी के साथ वो ज्यादा प्रयोग कर सके। जैसे कि मार्को यानसन को काफी समय बाहर बैठना पड़ा क्योंकि वो 4 प्लेयर कोटा जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे विलियमसन के होने के चलते। जी हाँ, कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं नजर आ रहा, तो या ये कर सकते हैं, निकोलस पुरान वेस्ट इंडीज के कप्तान अपॉइंट कर गए हैं T20 क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो उनको वो दे सकते हैं वो स्थान, तो वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है फॉरेन प्लेयर करके निकोलस पुरान, तो वो एक समस्या उस तरह से आप सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन कप्तान चाहिए तो भुवनेश्वर कुमार जिस तरह का उनका सीजन रहा है, उनको वो जिम्मेदारी दे सकते हैं, और लगता है कि वहां पर जरूर कोई चेंज होगा। लेकिन ये ना भूले कि केन विलियमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक सीजन में 700 रन भी बनाए थे T20 क्रिकेट में, तो लेकिन इस तरह का जो सीजन गया है मुझे नहीं लगता कि उनके साथ वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो लगता है कि ये दो ऑप्शंस हैं, निकोलस पुरान और भुवनेश्वर कुमार।